Hello, good morning all of you. Today I am starting class 9, chapter 2, force and laws of motion. Okay, this chapter we start करने वाले हैं. This chapter आप सबसे पहले तो ये देखो कि जो main main topics हैं, notes, एक तरह से notes, वो आप note कर लेना. सबसे पहले जैसे कि आपको ना chapter 1 से पता चल रहा है, force and laws of motion. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is force? Force क्या है? तो फोर्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है अ पुश ऑन बॉडी ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. मतलब किसी भी चीज को अगर हम पुश करते हैं, इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, दैट इज फोर्स. इसमें आपके दो टाइप के फोर्स हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं, दो साइड से फोर्स लगाएं, इधर से भी उधर से भी, अगर एक पर फोर्स होता है वो आपको हो जाता है बैलेंस फोर्स. मतलब ऑब्जेक्ट को ना तो इधर से उधर मूव करेगा ना उधर से इधर मूव करेगा, दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम अपनी पोजीशन में रहेगा, उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स. मतलब बैलेंस मतलब सिर्फ जितना फोर्स लग रहा है इधर से भी वही फोर्स लग रहा है. सपोज करो उधर से 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने प्लेस पे फिक्स रहेगा, वो इधर से उधर नहीं होगा, उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स. तो इसको नोट कर लेना, इफ द रिएक्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इज इक्वल टू 0, सॉरी इफ द रिएक्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल होना चाहिए उसका जो रेट आ रहा है, 0 होना चाहिए. अगर 2 न्यूटन फोर्स उधर से हो रहा है, 2 न्यूटन फोर्स इधर से हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है, 0, मतलब अपोजिट डायरेक्शन और इधर से जो आपकी फ्रंट डायरेक्शन वहां से भी दोनों तरफ से अगर फोर्स लगा तो वहां पर 0 हो जाता है. नेक्स्ट है आपका अनबैलेंस फोर्स. अगर अनबैलेंस फोर्स कौन सा होता है, इफ द रिएक्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स फोर्सेस आर ग्रेटर देन 0 द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. मतलब एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है और एक तरफ से 15 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो उसको पुश कर देगा. ओके अच्छा, इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. ओके इसमें कहां कहां आपका यूज होगा, जैसे कोई भी चीज ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूविंग पोजीशन में तो उसकी स्पीड को और डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है. जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी न्यूटन फोर्स लगाएंगे सामने खड़े हो जाएंगे या न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड पे इफेक्ट पड़ जाएगा. ओके नेक्स्ट आते हैं हम सम कॉमन फोर्सेस. कुछ जो कॉमन फोर्सेस हैं उनमें आपको दो यहाँ पर नोट कर रखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में दो और नोट करवाएंगे. सबसे फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स मीन्स जो आप उससे कर रहे मसल्स के थ्रू जो वर्क कर रहे हैं फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स. लाइक मस्कुलर फोर्स द फोर्स ऑब्टेंड बाय द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ओके जो ह्यूमन बॉडी के यूज करके ह्यूमन बॉडी ये मसल्स हैं उनका यूज करके हम किसी भी चीज को उठा रहे हैं, किसी भी चीज को लेके इधर से उधर जा रहे हैं, वो हो जाएगा आपका मस्कुलर फोर्स. ओके मस्कुलर फोर्स लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको लिखवा देते हैं लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट और डूइंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जब करते हैं तब वहाँ पे मस्कुलर फोर्स की हमें जरूरत होती है. नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स ऑब्टेंड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, वो कहाँ जाता है, वापस वापस नीचे आ जाता है. क्यों, उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींचता है. ओके तो इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके नोट ऑन दिस थिंग्स. ओके ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर नोट कर रखी हैं, जो नोट्स हैं, इसे वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोटबुक कर लेना और नोटबुक अपनी जो भी है कैर उस पर कम्प्लीटली ये सारा वर्क होना चाहिए, एक एक पॉइंट. ओके उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं
एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल आप वीडियो पॉज करने के बाद नोट कर लेना। ओके थैंक्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।